हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो मैं आज स्वर्णा के फूल की सब्जी बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये सब्जी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत कम लोग बनाते हैं। उतनी ज्यादा मैंने लोगों को खाते नहीं देखा कि जैसे हम और सब्जी गोभी खा रहे हैं, आलू, ये सब उतने में नहीं आता। तो मैंने सोचा एक बार मैं आपके साथ शेयर करूं, और वाकई ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और ये मैं आपको सिर्फ बेसिक मिसालों के साथ बनाऊंगी, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर आप सूखे मिसाले एक्स्ट्रा मैं दिखाऊं, आप कहोगे कि नहीं, अगर मैं आपको दिखाने के लिए डाल भी दूंगी तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इस सब्जी के अंदर स्वर्णा का फूल का टेस्ट देना है, तो वही सब मैं आपको सिखाऊंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वर्णा के फूल की सब्जी। मेरे को काफी कमेंट्स पहले आए हुए थे कि आपने आंटी लाए और सब्जी बनाई नहीं और दिखाई भी नहीं, उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी। तो मैंने सोचा चलो अब बनाने जा रही हूँ तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए यहाँ मैंने मटर उबलने रख दिए हैं। इसमें मटर जरूर डलते हैं क्योंकि खाली स्वर्णा के फूल नहीं बनते। और यहाँ मैंने इसको उबाल के रख लिया है। मैंने एक रात पहले फूल को उबाला था, जैसे 15-20 एक मिनट पे एक उबाला आने के बाद 20 एक मिनट आधा चम्मच नमक के साथ उबाला था और उसको पूरी रात उसी पानी में छोड़ दिया था। सुबह मैं उठी, मैंने सुबह उसको अच्छे से 3-4 पानी से वॉश किया, जो उसके कड़वापन था वो खत्म हो गया। फिर मैंने साफ पानी लिया और उसको दोबारा से उबलने रखा। इस प्रोसेस का 2 बार करना है, एक बार में कड़वापन निकलता है, दूसरी बार में फूल सही से उबल जाते हैं। और मुश्किल से पहले 15 मिनट और दोबारा 10 मिनट बस आप लो फ्लेम पर छोड़ दो और छन्नी ऊपर रख दो। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से धो के निचोड़ के, और ये देखिए ये मैंने इसको तैयार कर रखा है। तो अब इसमें हम लगाएंगे प्याज टमाटर का तड़का, क्योंकि फूल ऐसे टेस्टी नहीं लगते, इसके साथ मटर का होना बहुत जरूरी है। और साथ में ही मैंने मटर उबलने रख दिए हैं। अब मैं लगाती हूँ स्वर्णा के फूल में तड़का। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं। इसमें प्याज और टमाटर ज्यादा डलते हैं, और 3 ही बड़े बड़े मैंने लिए हैं टमाटर। और यहाँ पर 3 टमाटर और 3 हरी मिर्ची, इनको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लूंगी। इसमें जो है मिसाला ज्यादा बनता है, जैसे हम भरते का मिसाला बनाते हैं ना, बैंगन का भरता, उसमें प्याज टमाटर ज्यादा होते हैं, भरता कम होता है, सेम ऐसे ही इसमें प्याज टमाटर का मिसाला ज्यादा होता है। गैस पे रखा है मैंने पैन, और इसको मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो यहाँ हम तेल थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि प्याज भी थोड़े ज्यादा है। और यहाँ मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि काकू जो दूसरा लहसुन है उसका, उसको टेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। ये अगर मैं डालती हूँ बाजार से लिया हुआ तो इसका वो इजिली खा लेता है, तो मैं यही वाला ले लेती हूँ कि एटलीस्ट हम खाए तो सही ना, कि ये तो ना हो अगर जैसे मैं उसको यूज करती हूँ दूसरा फ्रेश लहसुन को वो नहीं खाता। तो इसीलिए इसके लिए मैं कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मसाले में हम जैसे तड़का लगाएंगे उसके बीच में ही टमाटर के बाद मैं डालूंगी यहाँ पर 2-3 से 4 चम्मच दही है। इसको अच्छे से, इसको भी अच्छे से फेंट के मैं रख लूंगी। तेल हो गया है गरम, अब हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज हमें अच्छे से ब्राउन करने हैं, और इसी बीच में इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये भी मैं 1 चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट यूज करूंगी। और जो स्वर्णा के फूल हैं ये सिर्फ आते हैं सर्दियों में, गर्मियों में नहीं आते, और इतने टेस्टी बनते हैं ना कि हाँ मैं सच सही में बताऊंगी, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अब तो खैर जाने वाले हैं, लेकिन अभी मार्केट में मिल रहे हैं काफी, मैं भी लाई हूँ अभी तो काफी मिल रहे हैं, और ये बस और महीना एक ही रहेंगे, उसके बाद ये खत्म बस, फिर अगले साल। प्याज हमें इतने ही ब्राउन करने हैं, बिल्कुल ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, और इसके बाद हम ये डालेंगे चॉप करे हुए टमाटर। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मटर भी उबल चुके हैं, अब इसको पानी से मैं अच्छे से छान लेती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको करते हैं चेक। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले।
सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर और नमक हम इसमें थोड़ी देर बाद डालूंगी क्योंकि मेरे को डालनी है इसमें दही। अगर नमक डाला तो दही वैसे ही फट जाएगी, तो नमक मैं थोड़ा रुक के डालूंगी इसमें और इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब यहीं पे मैं डालूंगी 3 चम्मच के करीब दही, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास वैसे भी पड़ी हुई थी, नहीं होती तो मैं स्पेशल मंगाती इसके लिए। तो इसे भी अच्छे से हम अब हम मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाते हुए कि दही फट ना जाए साथ ही साथ मिक्स करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम करते हैं इसको चेक। तो देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, ऑयल भी सेटल हो चुका है और दही भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी है, प्याज टमाटर के मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो हम यहीं पर डालेंगे जो मैंने यहाँ पर लिए थे 1 कटोरी उबले हुए मटर, अब हम इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको तेज फ्लेम पे हम मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसाले का सारा फ्लेवर है वो मटर में अच्छे से आ जाए। और इसके 2 मिनट के बाद हम डालेंगे इसमें सजना के फूल। मटर भी अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये सजना के फूल उबाले थे वो भी हम इसमें अब डालेंगे। गैस की फ्लेम करेंगे लो और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फूल मटर अच्छे से प्याज टमाटर के मसाले में मिक्स हो चुके हैं, लेकिन ये काफी अभी ड्राई है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम पानी और इसको हम अब ढक के पकाएंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक जो मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला दही की वजह से। तो यहाँ डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब नमक और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको अब हम ढक के पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने गोपू के लिए बनाए हैं टमाटर वाले आलू मटर। वो मटर तो मैंने उबाले थे, आलू भी उबाले थे, तो मैंने साथ ही थोड़े से मटर भी उसमें डाल दिए। मैं कहा चलो, और पूजा भी आलू मटर बहुत खुश होकर खाती है तो मैंने कहा पूजा भी खा लेगी गोपू भी। पूजा फूल भी खाती है पर थोड़े कम, तो आलू मटर गोपू और इसके लिए आराम से हो जाएंगे। 7 मिनट तक हो चुका है, मैंने लो फ्लेम पे इसको रखा था, अब हम इसे करेंगे चेक। तो देखिए सब कुछ अच्छे से मटर फूल प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है और देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और इसको भी बस हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको किसी डिश में ट्रांसफर करते हैं। सब्जी बनके देखिए बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम हम 1 सेकंड के लिए हाई करते हैं और देखिए ना बिल्कुल सूखी है ना ज्यादा, वो बिल्कुल हल्की हल्की सी है कि बिल्कुल सूखापन भी ना आए, बिल्कुल जरा सा, कोई इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। और इसे हम करते हैं एक डिश पे ट्रांसफर। देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी बन गई है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके आगे सारी सब्जियां एक बार मेरे कहने के हिसाब से बनाना, सारी सब्जियां फेल है। बस इसका जो मेन काम है ना वो सिर्फ उबालने में है, क्योंकि अगर आप उबालोगे ढंग से नहीं तो कड़वी बनेगी। और ये मम्मी बहुत बनाते थे हमारे तो घर में, मम्मी के घर में तो बहुत बनती थी और मैं भी बहुत बनाती हूँ। दीदी के घर नहीं बनती, पर दीदी के घर में बहुत कम बनती है, लेकिन जिया जी को टेस्टी लगती है तो मैं उन्हें आज जरूर भेजूंगी। और माजी को बहुत टेस्टी लगती थी, जब भी बनाती थी तो वो बोलते थे हेमा फूल बनाती है जरूर भेजियो। तो मैं आज वही मैं पूजा कह रही हूँ, उनका माजी को इतने पसंद थे फूल, अब बन गए हैं तो मैं माजी के लिए, माजी नहीं जिया जी के लिए जरूर भेजूंगी ताकि दीदी माजी को खिला सके।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी देखनी है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूं। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।